बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में, जहाँ पे हम टूर करेंगे 10 मरले का खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार करदा ये डिज़ाइनर हाउस, जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। ये घर जो है वो कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखेगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की तमाम डिटेल हम इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप इसका खूबसूरत एलिवेशन चेक कर सकते हैं, जिसे जो है वो खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। ऊपर आप इसकी खूबसूरत कनोपिस चेक कर सकते हैं। मेन डोर आ गया, डोर के सामने आप कार रैंप चेक कर सकते हैं जिस पर टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया। मैं राइट साइड पे जो है वो आपको इसका स्ट्रीट ओवरव्यू चेक करवा देता हूं और देख सकते हैं आप वाइट स्ट्रीट है इस घर के सामने। खूबसूरत हम एलिवेशन की बात करें तो इस एलिवेशन को जो है वो मीनाकारी एलिवेशन का नाम दिया जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं घर का एक्सटर्नल ग्रीन एरिया आ गया। उसके बाद मेन डोर से हम एंटर होंगे और घर की बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आप काइंडली जो है वो वीडियो के साथ ही जुड़े रहिएगा। मेन डोर से हम एंटर होंगे तो आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग जो है वो मल्टी कलर टाइल पैटर्न के साथ की गई है। पोर्च में अगर हम बात करें तो ईजिली दो गाड़ियाँ इसमें पार्क हो सकती हैं। ऊपर खूबसूरत आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें। लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका गैलरी एरिया आ गया, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक मौजूद है और वाटर पंप यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो थ्रू आउट जो है वो एलिवेशन को खूबसूरत बनाने के लिए वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया, एक ही कलर की, और वही वेदर शीट जो है वो आप देख सकते हैं अंदर पोर्च में और इंटरनल वॉल्स में भी जो है वो गैलरी साइड का यूज़ किया गया। इस साइड की अगर हम बात करें व्यूअर्स, तो 10 मरला घर है तो इसमें टू साइड गैलरीज होती हैं। आप देख सकते हैं राइट और बैक साइड पे प्रॉपर गैलरी डिज़ाइन की गई है और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डबल जॉइंट हाउस है। तो ये स्टेयर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए मूव हो रही है और घर के अंदर से भी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। हम कुछ अगर फीचर्स की बात कर लें इस घर में तो आप देख सकते हैं स्पेनिश इसका एलिवेशन है, स्पेनिश डिज़ाइन में इसका एलिवेशन है। और अगर हम इसको दूसरे कहें तो इसके फ्रंट को जो है मीनाकारी फ्रंट भी कह सकते हैं। UPVC की इसकी विंडो है, जॉर्जियन बार है, सॉलिड वुड के डोर्स हैं, डिज़ाइनर किचन है बाय किचन क्राफ्ट की तरफ से, कोरियन के जो टॉप्स यूज़ किए गए हैं इसके किचन में, ब्रांडेड अप्लाइसेज हैं और ओपन टू स्काई रूफ कंसील्ड AC ड्रेन पाइप्स हैं, वुडन स्टेयर्स, ब्लैक गोल्ड मार्बल है और उसके बाद कनोपी रूफ मास्टर बेड आ गए, फैंसी बाथ हैं, डिज़ाइनर वैनिटीज़ हैं और तमाम वाशरूम में जो है वो फैंस उसमें इंस्टॉल किए गए। अब हम बढ़ेंगे इसके मेन डोर से और बाकी की जो है वो तमाम चीज़ें को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेन डोर आप देख सकते हैं सॉलिड वुड का डिज़ाइन करदा इसका खूबसूरत मेन डोर है। 5 बेडरूम की अकोमोडेशन डिज़ाइन की गई है इस घर में। 2 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पर हैं और 3 बेडरूम की अकोमोडेशन जो है वो इसके फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन की गई है। एंटर हुए तो हमें सबसे पहले इसका खूबसूरत TV लाउंज का एरिया मिल रहा है, सामने हमें पाउडर बाथ मिल जाएगा और राइट साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं स्टेयर्स ऊपर मूव हो रही हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए और ये डोर जो है वो बाहर पोर्ट से आप उसे एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को टूर करेंगे तो इसका पाउडर बाथ देख लेते हैं। पाउडर बाथ के बाद ये आप लेफ्ट साइड पे मेरे इसका खूबसूरत ड्राइंग रूम का एरिया देख रहे हैं और टीवी लाउंज में हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसके ड्राइंग रूम को देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, ड्राइंग रूम में एंटर हुए तो आप इसका ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। सामने वेंटिलेशन विंडो मौजूद है, UPVC की इसकी विंडोज डिज़ाइन करता है और बाकी जो है वो आप ड्राइंग रूम की स्पेस चेक कर सकते हैं। ये वाली एंट्रेंस बाहर पोर्ट से एक्सेस आप कर सकते हैं और सामने आप खूबसूरत जो है वो एरिया चेक कर सकते हैं ड्राइंग रूम को। नीचे जो टाइल का पैटर्न है वो एक ही पैटर्न ट्रेवल कर रहा है पूरे घर में। टीवी लाउंज की बात करें तो सामने इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल है जिसमें वॉलपेपर और वुडवर्क हुआ हुआ है। ऊपर खूबसूरत आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं डबल फैन के साथ और नीचे जो है वो वही सेम टाइल का पैटर्न है। टीवी लाउंज के बाद जो है वो हम बढ़ेंगे इसके क्लोज किचन की तरफ। राइट साइड पर जो है वो इसका किचन मौजूद है। जी वर्स, किचन में हम अगर देखें तो सामने काउंटर पे जो है वो कोरियन का इस्तेमाल है, बर्नर मौजूद है, बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज आउट चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो आ गई है, सिंक यहाँ पे मौजूद है और लेफ्ट साइड पे जो डोर है वो एग्जिट होगा गैलरी साइड पे, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में गाइड किया। इस साइड पे मूव हो तो माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे मौजूद है, क्रॉकरी कबर्ड आ जाएगी और आप ये नीचे चेक कर सकते हैं इसके ड्रॉज, खूबसूरत ड्रॉज हैं।
व्यूअर्स, किचन के टूर के बाद मैं आपको लेके चलूंगा आप इसकी बेडरूम की अकोमोडेशन की तरफ। तो टू बेडरूम का मैंने आपको बताया कि इसकी अकोमोडेशन है। सबसे पहले हम बेडरूम फर्स्ट की तरफ मूव होते हैं जी। बेड फर्स्ट में सामने आप खूबसूरत वेंटिलेशन विंडो चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी ग्रिल के साथ। ऊपर खूबसूरत आप इसका सीलिंग डिजाइन देख लें फैन के साथ, और नीचे जो टाइल का पैटर्न है वो माइनर सा डिफरेंट है, जो कि बाहर मेन एरियाज में यूज किया गया उससे पैटर्न जो है वो थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। उसके बाद हम इसकी खूबसूरत कबर्स देख लेते हैं इस बेडरूम की, और कबर्स के सामने जो है वो इसका अटैच वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में आप देख सकते हैं खूबसूरत डिजाइन की इसकी वेंटीज हैं, कंप्लीटली जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है। अलहदा से आप इसकी शॉवर केबिन चेक कर सकते हैं। बेड फर्स्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। यहां से आप जो है वो इस एंगल से इस बेडरूम की स्पेस का अच्छा खासा आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी स्पेस जो है वो इस बेडरूम को डेडिकेट की गई है। साथ में जो है वो इस स्लाइड स्टोर में इस बेडरूम की खूबसूरत कबर्स हैं, वेंटिलेशन विंडो मौजूद है, तमाम एरियाज में यूपीवीसी की विंडो यूज की गई है। व्यूअर्स, कुछ लोग जो है वो अल्मोनियम भी इस्तेमाल करते हैं, बट जो यूपीवीसी है वो टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी मटीरियल है इस चीज में। ऊपर आप इसका सीलिंग डिजाइन देख लें, फैन यहाँ पे मौजूद है, शॉवर स्पेस अलहदा से शॉवर केबन, और आप इसकी वेंटी चेक कर सकते हैं। स्पेनिश डिजाइन में जो है वो इस वॉशरूम को तैयार किया गया। टू बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है। मैं आपको लेकर चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने। जी व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं इसकी स्टेयर्स को लेके मार्बल का इस्तेमाल किया गया, और जो लेफ्ट साइड पे इसके ग्रिल्स हैं वो सॉलिड वुड की डिजाइन करता है। जी व्यूअर्स, ऊपर हम आते हैं इसके टीवी लाउंज में फर्स्ट फ्लोर के, तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट चीज मिल रही है। ऊपर आप जो है वो रूफ टॉप चेक कर सकते हैं, जिसे जो है वो टेम्पर्ड ग्लास की मदद से जो है वो आप देख सकते हैं कवर किया गया, और यहाँ से जो है वो लाइट का क्रॉस होना बहुत इजी एक्सेस है। टीवी लाउंज की स्पेस में आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल आ गई है, और बाकी मैं अकोमोडेशन आपको दिखा देता हूँ। टू बेडरूम्स बिल्कुल सामने हैं, ओपन किचन डिजाइन किया गया, स्टेयर्स आप देख सकते हैं जो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही हैं, और फिर फर्स्ट फ्लोर से ममटी की तरफ मूव हो रही हैं, और ये राइट साइड पर जो है वो एक बेडरूम की अकोमोडेशन मजीद है। टोटल थ्री बेडरूम बन जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जी सबसे पहले हम बेड फर्स्ट की तरफ मूव होंगे। इसकी जो व्यूअर्स आप देख सकते हैं रूफ टॉप है वो कनोपिस तर्ज की जो है वो डिजाइन की गई है, खूबसूरत सीलिंग डिजाइन आ गया, नीचे कंप्लीटली इसका टाइल वर्क है। बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो ये इसका टेरेस का एरिया है। कबर्ड्स आ गई हैं, कबर्ड्स के साथ जो है वो इसका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में अलहदा से आपने शावर केबिन देखा, इसकी खूबसूरत वेंटी आ गई है। जी व्यूअर्स, ये हो गया इसका बेडरूम फर्स्ट। उसके बाद वापस हम एग्जिट होंगे बाहर वाली साइड पे टीवी लाउंज में, तो मैं आपको जो है वो इसके ओपन किचन की तरफ लेके चलता हूँ। ओपन किचन में आप देख सकते हैं थ्रू आउट जो है वो जेट ब्लैक ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया, खूबसूरत डिज़ाइन की इसकी कैबर्ड्स हैं। उसके बाद बर्नर मौजूद है, बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज आउट चेक कर सकते हैं। इस साइड पे अगर हम मूव हों तो यहाँ पे आप देख लें इसका व्यूअर्स सिंक मौजूद है, और ऊपर वेंटिलेशन विंडो, और टॉप पे जो है वो इसका एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है। रिमेनिंग जो बेडरूम की अकोमोडेशन है उसकी तरफ मूव होंगे। हम चलते हैं बेडरूम सेकेंड में। बेडरूम सेकंड की स्पेस का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आ गया है, वेंटिलेशन विंडो मौजूद है, और नीचे जो फ्लोरिंग है वो कम्प्लीटली टाइल की है। ऊपर इसकी आप खूबसूरत कबर्स देख रहे हैं, और साथ में जो है वो हम इसके अटैच वॉशरूम में चलते हैं। सेम पैटर्न है ग्राउंड फ्लोर की तरह इन वॉशरूम्स का भी।
टू बेडरूम हो गए, और लास्ट में हम विजिट करते हैं थर्ड बेडरूम। वेंटिलेशन विंडो इस बेडरूम की, स्लाइड्स, डोर में खूबसूरत कबर्ड्स, और साथ में जो है वो इसका अटैच वॉशरूम। जी बस ये हो गया थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ, फर्स्ट फ्लोर का भी टूर कंप्लीट। लास्ट में हम चलते हैं ऊपर इसकी ममटी पे, वहां पे हम चीजों को देख लेते हैं और फिर हम इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेंगे। जी ऊपर हम छत पे मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, जो टीवी लाउंज को कवर्ड किया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ वो एरिया आ गया। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चिप्स की है, बैक साइड से प्रॉपर एक्सेस है सर्वेंट के लिए। आप देख सकते हैं मेटल की जो स्टेयर्स डिजाइन की गई हैं, टैंकी मौजूद है यहाँ पे कंक्रीट की, और सर्वेंट क्वार्टर। अगर हम इस घर के प्राइस की बात करें व्यूअर्स, तो इस घर की जो डिमांड है वो 4,60,00,000 है, 460,00,000 आस्किंग प्राइस है। इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए सेल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।